हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि CBCS की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और आप सबके एग्जाम्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो मैं आज हाजिर हूँ आप सबके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ उनके सोल्यूशन भी। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गाइस। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम कौशल फ्रॉम जसमीत क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगी वो है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर वन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको जो चैप्टर वन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी आज यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब चैप्टर समझाने से पहले, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर सोलन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि अभी सेमेस्टर वाइज ये हो गया है कि दो सेमेस्टर में आपके एग्जाम होंगे, और ये बहुत अच्छा भी हुआ है क्योंकि स्टूडेंट के साथ क्या होता था पहले कि एक ही बार में उस स्टूडेंट को पूरा सिलेबस कवर अप करना पड़ता था और काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उसमें क्या होता था, बच्चा सिर्फ उसको रटता था या फिर मतलब जल्दी से, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ पढ़े और उसके बाद में पास कर लिया या फिर पास नहीं हो पाते थे, बट अब अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सेमेस्टर वन के अंदर क्या करना है आपको, जो आपकी अकाउंटिंग की बुक है ये पिछले साल की बुक है मेरे पास, मतलब 10 ईयर है मेरे पास, लेकिन जैसे मैंने बुक वगैरह रीड की है आपके, जो कि सोलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देखी थी मैंने बुक, तो देखिए उसमें चेंजेस क्या आया है और इस वाले में चेंजेस क्या है ताकि आप लोगों को इजी पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स जो है हटा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान के चलिए बेसिक हमारा कोई चैप्टर है अकाउंटिंग का, जैसे कि मान के चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेचर, स्कोप एंड लिमिटेशन, तो ये चैप्टर सेम ही रहने दिया है, ना तो इसमें से टॉपिक हटेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चन आते थे पहले भी वही सेम क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर भी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन मतलब अलग से आएंगे, नहीं, इसी इस टॉपिक से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बनेंगे यहाँ से, जो आपके पेपर में बनेंगे। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको पूरा ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज मैं बुक से उनको कराते हुए चलूँ, इसलिए मैंने 10 ईयर लिया है। तो मैं यहाँ पर 10 ईयर से आपको क्या बताऊंगी कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं समझाते हुए चलूंगी ताकि आपके लिए भी हेल्प हो जाए, अच्छे से आप उनको कर पाएं, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपके दिसंबर में एग्जाम है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जसमीत क्लासेस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की, यहाँ पर सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी भी पूरा आपको सब्जेक्ट भी कंप्लीट कराया जाता है, यहाँ पर आपको जो भी सिलेबस है उसको पूरे को कंप्लीट कराया जाता है और सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर तो आपको यहाँ से रिमूव नहीं किया, वहाँ से नहीं हटाया है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा। और फर्स्ट चैप्टर से फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है आपका। अगर मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला आपसे आ सकता है कि डिफाइन अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, आपको बताना है इसके नेचर बताने हैं, इसका स्कोप बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे सिंपल अगर हम समझें तो जो बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी हम बिजनेस ले सकते हैं, उस बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ यानी कि होने वाला काम जो भी होता है, उन सब उस होने वाली एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि सेल हो रही है, परचेज हो रही है, किसी को रेंट पे हो रहा है या फिर सैलरी दी जा रही है, फ्रेंड्स ये सब क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। और इन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है, अगर हम सिंपली उसमें लैंग्वेज में करें तो अकाउंटिंग ये होती है। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है कि आपको बताना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वाला टॉपिक याद कर लीजिए या फिर एक डेफिनेशन इसकी ये वाली याद कर लीजिए, एक ही मतलब है इस पूरे का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही मतलब है, इतना कुछ बड़ा दे रखा है, आप इतना सब याद करो या फिर इसको मतलब पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप यहाँ से ही टॉपिक छोटा याद कर लीजिए या फिर ये डेफिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. देखिए
यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग हमारी एक ऐसी कला है जिसके हम क्या करते हैं कि उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, देन उसके बाद में एक सिग्निफिकेंट मैनर में एक तरीके के साथ, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर भी कोई चीज़ रिकॉर्ड की फिर दूसरे रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट मैनर में हम इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम नॉर्मल उसमें देखें तो आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, देखें अकाउंटिंग करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, ऐसे नहीं कि हम कोई मैनेजर को हाई कर रहे हैं या फिर कोई कोई आपकी अपॉइंटमेंट है या फिर किसी के काम क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कुछ मतलब कोई वैसी चीज़ों को हम किसी की क्वालिटीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्या करते हैं फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि बिजनेस में काफ़ी हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन भी होती हैं, और आपके वैसे नॉर्मल जैसे मान के चलिए आपके एक आपकी जो ऑफिस है वहाँ पर एक सामान दूसरी जगह सामान उठा के रखा तो वो भी एक तरीके से होने वाली एक्टिविटी है, बट वो हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो हमें पता करना है कौन सी हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उस सबसे पहला हमारा काम होता है, हमें ये पता करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन क्या होती है। उसके बाद में फ्रेंड दूसरा स्टेप हमारा आता है मेजर करना, मेजरिंग, ठीक है। तो देखिए मेजरिंग कैसे करते हैं कि मान के चलिए ऐसे 100 पेन है या फिर कोई और भी हम सामान लें तो उसकी कीमत कितनी है, हमने पता कर लिया ट्रांजेक्शन है, मान के चलो हमने गुड्स परचेस किए, ठीक है, हमने गुड्स परचेस किया, वो गुड्स की वैल्यू कितनी है, 10,000, 20,000, उसको क्या करेंगे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में हम उसको मेजर करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट है जो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है, देन उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल बुक में, ठीक है। इस तरीके से मान के चलिए जर्नल बुक है, उसमें हमने कहा कि परचेज गुड्स गुड्स फॉर रुपीज 10,000, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर ली, सेल करी जो भी करा वो सब हमने क्या करी इसमें जर्नल बुक के अंदर क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद में फोर पॉइंट हमारा आता है, अब हमने रिकॉर्ड कर दिया तो देखिए एक ही बुक के अंदर हम परचेज कर रहे हैं तो इसमें लिख रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इसमें लिख रहे हैं, बाकी के रेंट पे करने सब इसमें लिख रहे हैं, जर्नल बुक में हमने सब कुछ भर दिया, ठीक है, अब पूरा होचपोच हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लासीफाई। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारा आता है क्लासीफाइंग करना, ठीक है। देखिए क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है कि अलग से लेजर बना देते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट बना देते हैं, ये हो जाएंगे आपके लेजर अकाउंट, मतलब सेल्स बुक अलग बना दी, परचेज बुक अलग बना दी, ठीक है, एक्सपेंस अलग बना दिए, इनकम अलग बना दी, डेटर अलग जो अकाउंट है वो अलग बना दिए, लेजर बना दिए, सबके अलग अलग पर्टिकुलर हेड बना दिया, ठीक है। जो भी चीज़ें सेल जितनी भी हुई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना बिजनेस के अंदर कि एक ही बार की सेल मतलब पूरे साल में एक ही बार सेल हो रही है, दो बार सेल हो रही है तो हुचपुच नहीं होगी, लाख मतलब कितनी बार मतलब हजारों लाखों बार क्या होती है, सेल परचेस होती है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, पूरा होचपोच हो जाएगा। इसलिए जितनी सेल हुई है वो यहाँ लिख दो, जितनी परचेज हुई है वो यहाँ उठा के लिख दो, ठीक है, अलग अलग उनके हेड बना दो, ठीक है। मान के चलो मैंने डेटर अकाउंट बनाया, डेटर अकाउंट मतलब डेटर कौन होते हैं, ठीक है, ये डेटर अकाउंट मैंने बना दिया, तो डेटर हमारे वो होते हैं जो हमारे बिजनेस से कोई सामान परचेज करते हैं, ठीक है, मतलब हमने उन्हें सामान सेल किया होता है तो हमारे डेटर होते हैं, लेकिन वो सामान हमसे उधार में परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ऐसे एक पर्सन को तो ऐसे है नहीं कि हमारे मतलब फिक्स है कि भाई एक ही बंदे को हम सामान उधार देंगे, ऐसा नहीं है ना, कोई भी और भी हो सकता है जो सामान उधार ले सकता है। तो देखिए डेटर हमारे जितने भी होंगे हमें पता चल जाएगा, डेटर अकाउंट हम बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, मान के चलो मिस्टर राम है डेटर अकाउंट में, फिर मिस्टर श्याम है, जो भी हैं उनके अलग अकाउंट होंगे, तो हमें अगर पता करना हो जल्दी से कि भाई कितना अमाउंट हमें किससे लेना है, या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनको हम सामान क्या करते हैं उधार सामान जिनसे लेते भी हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि किसको कितना पैसा देना है, कितना उनसे पैसा लेना है, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इनको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होता है, क्लासीफाई करना। फ्रेंड्स उसके बाद में आता है समराइजिंग। देखिए
हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है समराइजिंग करना। समराइजिंग करना मतलब यहाँ पर है कि उसको और समरी कर देना, छोटी कर देना। जैसे सेल हुई है, यहाँ पर जितनी भी सेल हुई है, राम श्याम जितनी भी सेल हुई है सब हमने यहाँ लिख रखी है। अब इसको और छोटा कर देंगे, समराइज कर देंगे, हम कर देंगे कि टोटल सेल हुई है मान के चलिए 50,000 की या 80,000 की, ठीक है। और टोटल जो आपकी परचेज हुई है वो हुई है 50,000 की, जैसे एग्जाम्पल। अब हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। और यही वाले स्टेज होती है, यहाँ पर हम P&L अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा समराइज करते हुए हम क्या बनते हैं, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम P&L अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में हमारे क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। उसके बाद का हमारा क्या होता है कि हम इसके बाद में हम इसमें करते हैं क्लासिफाइंग करने के बाद में कम्युनिकेट कर देते हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट निकल कर आया या फिर लॉस से निकल कर आया, उसके बाद का पॉइंट हमारा क्या होता है कि उनको कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। यानी कि यूजर्स कौन हो गए, जो हमें पैसा देते हैं। ऐसे मान के चलिए सबसे पहले तो हमारे ऑनर हो गया, कंपनी का ऑनर अगर पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसको जानने के लिए ये रहती है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब चीज़ उसको जानने की रहती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि पता लगाता, मतलब उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है कि उसको रिकॉर्ड चाहिए होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो होता है सिंपल सिंपल हमारा अकाउंटिंग। इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लेजर की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज कर देना, देन उसको कम्युनिकेट कर देना, ठीक है। देखिए उसके बाद में है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज डिस्क्राइब्ड इन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग गिवन इन 1961 बाय द ICPA एज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब यहाँ पर इसका नेचर एंड इसका स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा दे रखा है डिटेल में, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वही चीज़ है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, इन इवेंट्स को, ठीक है। उसके बाद उसको मेजर करते हैं, जो आइडेंटिफाई यानी कि जो ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है। अब उसको मेजर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासीफाई करना। देखो यहाँ पर लिखा भी है इट इज द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर टू शो दैट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, ठीक है। मतलब डेट वाइज, ऐसे नहीं कि कभी कोई ट्रांजेक्शन कभी कर दी, कोई ट्रांजेक्शन कभी कर दी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर उनको क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे हम। यहाँ पर देखो हमारा कैश कितना भी कैश फ्लो हुआ, बैलेंस शीट आई, इनकम स्टेटमेंट, ये सब चीज़ हमारे यहाँ पर होता है लास्ट में, ठीक है। फिर एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉफिट निकला, क्या लॉस निकला और क्या हमें करना चाहिए, अगर लॉस निकला तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इसके पॉइंट्स ही है, हमें याद रखने हैं, ठीक है। अगर लॉस निकलता है तो हम क्या करते हैं उस पर सुझाव करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद में ये तो है फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। यही मुझे बताना था यहाँ पर कि इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हम इसको ठीक तरीके से समझ पाएं। पूरा अगर मैं एक ही वीडियो में बता दूंगी सभी क्वेश्चंस तो वो ठीक तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे, ताकि आपके लिए भी वो ठीक हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर बाकी की इसकी लिमिटेशन है, इसकी ब्रांचेस हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाला है फ्रेंड्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वो यही वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा और भी क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दो उसको, जो क्वेश्चन है मैंने ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए देखा है, जो है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन अक्रूअल बेसिस एंड अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ज़्यादातर। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स है वो सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।